डुगू इधर आ जा, गिर जाएगा वहां से नीचे, जल्दी आ डुगू, जल्दी आ जाओ। तो गाइस आज पापा घर जाने वाले हैं, तो डुगू को अजीब लग रहा है। ये देखो तैयार हो गए, पता नहीं क्या सोच रहा है ये, आज ये घूमने में है बाहर से, गुस्से में लेट गया यहाँ पे। ऐसा कहते हैं ना कि जो लोग तुलसी लगाते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं उसमें सुबह को पानी डालते हैं, तो मतलब उसकी पूजा होती है तुलसी माता की, तो जो लोग लगाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर जाती है। जब तुलसी को बांधते हैं दीपावली के टाइम पे, तब हम लोग घर गए हुए थे, तो अभी पूर्णिमा के दिन फिर तुलसी को बांधते हैं, जब पहले ना बांध पाए हों, तो हमने ये पूर्णिमा के दिन बांधी हुई है। तो यहाँ पे मैंने छिलने हैं पूरे मटर साफ करने हैं अभी, तो मैंने ये छिल लिए हैं पूरे मटर। पापा चले गए और ये पूरा साइलेंट पड़ गया है आज। हे टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फिलहाल बज गए हैं, दिन का 1 बज गया है, ना ही हमने खाना किया है, अभी तक खाना नहीं खाया है, डुगू ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि पापा यहाँ पे नहीं है, पापा गए हैं 2-3 दिन के लिए घर। तो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहना, मैं दिखाऊंगी हमारा आज का दिन कैसा था, हमने कितना ज़्यादा काम किया, मतलब कितने ज़्यादा कपड़े धोए हमने। तो कुछ पापा के कपड़े थे, कुछ मेरे थे, तो हम लोगों ने कुछ बेडशीट वगैरह धोई, तो इतना ज़्यादा काम हो गया था, पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, तो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहना। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और इतने ढेर सारे कपड़े धोने हैं अभी। बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी यहाँ पे, धूप भी निकली है, लेकिन मौसम अच्छा है, लेकिन पानी में ना हाथ डालने लायक नहीं है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। गर्मी में तो अच्छा होता है, सब काम हो जाते हैं, लेकिन जाड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मौसम बहुत ख़तरनाक होता है, अल्मोड़े में इतना ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा पानी में हाथ डालने लायक नहीं है। तो जब से अगर मम्मी होती अभी, वो कप के कपड़े धो देती, हेल्प हो जाती है, लेकिन जब से मम्मी गई ना तो सब काम करना पड़ता है, सब काम अब तो सीख भी लिया है खैर, लेकिन माँ बाप की वैल्यू, माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है सच में, बहुत ज़्यादा, जब हम अकेले होते हैं तब पता चलता है। कपड़े धो दिए हैं, अब बारी है डुगू के नहाने की, तो डुगू नहाने के लिए तैयार है। मेरे ना हाथ नहीं हिल रहे हैं, हाथ पाँव ठंडे पड़ गए हैं। ये ना नहाता बहुत अच्छे से है, मतलब नहाने में कोई भी परेशान नहीं करता है, ये बहुत अच्छे से नहाता है और ये हर तीसरे दिन नहाता है, और मैं इसे ना दिन पे ही नहलाती हूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह नहलाया तो फिर इसको जुखाम लग जाता है। हाथ आज लाल हो गए हैं और गला भी बैठ गया आज तो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं कचहरी बाजार से ऊपर कोर्ट की सीढ़ियों में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे कि पहले जो कोर्ट था वो पहले कचहरी बाजार से ऊपर यहाँ पे कोर्ट पड़ता था, लेकिन अब वो कोर्ट विकास भवन जा चुका है, क्योंकि विकास भवन काफ़ी अच्छा बन गया है, तो यहाँ से कोर्ट वहाँ चला गया है। तो यहाँ पे बन रहा है अब म्यूज़ियम,
तो काफ़ी अच्छा बन गया है यहाँ पे। आजकल यहाँ पे टूट फूट चल रही है, काम चला हुआ है, तो काफ़ी सुनसानी है। पहले तो काफ़ी चहल पहल रहती थी क्योंकि यहाँ पे कोर्ट था, अब सुनसानी है। और लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा बना दिया गया है। नीचे साइड आप लोग देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है, और पुराने पत्थर बिछे हुए हैं, पटाले वगैरह का यहाँ पे काम चल रहा है। तो गाइज़ हम लोग देख सकते हैं कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जैसे सभी लोग जानते हैं यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं घूमने, तो अल्मोड़ा शहर जो है 3 बजे से प्रसिद्ध है बाल माल और पटाल। बाल मतलब बाल मिठाई, माल मतलब माल रोड, और पटाल मतलब जो अल्मोड़ा की मार्केट में अगर आप लोग आए होंगे तो यहाँ पे पटाले बिछी हुई हैं। वो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस है अल्मोड़े की। अल्मोड़ा में कई ऐसे ऐतिहासिक भवन हैं जो पुराने करीबन 150 साल या 300 साल पुराने हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अल्मोड़ा में GGIC इंटर कॉलेज, GIC इंटर कॉलेज, रैमजी इंटर कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, डाइट और डाइट कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे टीचरों की ट्रेनिंग होती है। ये सब जो हैं पुराने हैं, हमारे जो हमारी हिस्ट्री है उसको बयां करते हैं, हमारी संस्कृति दिखाते हैं, पिछली जो हमारे यहाँ पे चंद राजाओं का इतिहास था उसको बयां करते हैं कि उनकी ये सब चीज़ें थी यहाँ पे जब वो यहाँ पे रहा करते थे। तो गाइस ये जो पत्थर बिछे हुए हैं ये सब पुराने ज़माने के हैं। ये पूरी जो सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई हैं और ये पत्थर जो नीचे हैं ये आजकल हमको कहीं भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने की है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी बनावट जो है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना दिया है, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से कोर्ट जो है हमारा विकास भवन चले गया, तो यहाँ पे म्यूज़ियम बन रहा है, तो उसकी सब तैयारियाँ चल रही है, इसे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दांत देख उसके। तो गाइस यहाँ पे एक राम मंदिर भी है जो रामनवमी के दिन ही शायद यहाँ पे खुलता है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे ये मंदिर। देखना इसकी आंखें बहुत प्यारी है, देख हमारे नए दोस्त। चल यार बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे, चल अब घर को चल रहे हैं।